आइए फिर से आपका एक बार स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के केस स्टडी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें स्किजोफ्रेनिया से वो कन्फ्यूज़ हो सकता है। स्किजोफ्रेनिया मतलब पागलपन की बीमारी, और वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, मगर वो प्रेजेंटेशन लगता है कि स्किजोफ्रेनिया है। एक व्यक्ति को मेरे पास में लाया गया। वैसा वो खुद ही आने को तैयार था, बोले मैं अकेला भी आ सकता था। और उसको ये शक है कि शक के विचार है एक्चुअली, कि उसके पत्नी के संबंध कहीं बाहर है, और वो बाजू वाला एक लड़का है उसके साथ में, और एक लड़का है उसके साथ में, ये कुछ तो भी साइन वगैरह करती होंगे ऐसा उसको लगता है। उसने कभी देखा नहीं है, उसको मालूम है कि ये सिर्फ विचार है और ये बार बार आ रहे हैं। उसको ये मालूम है कि उसकी पत्नी ऐसा कुछ करेगी नहीं, ना उसकी पत्नी वो लड़कों से बात की हुई है, मगर उसको बार बार ये शक आते रहते हैं। फिर वो शक आने के बाद में पत्नी से बातचीत करता है कि तूने ऐसा किया है क्या, तूने इशारे किए क्या, तूने ऐसे बातचीत की है क्या। बोलते नहीं, मगर मेरे को विचार आ रहे इसलिए मैं तेरे को पूछा। बोले ये बार बार आप क्या ऐसा पूछ रहे। मेरे को पत्नी नाराज़ हो जाती है, वो गुस्सा करती है, और उनको दोनों के झगड़े होते रहते हैं। ये बोलता है कि मुझे पूछे बिना रहा नहीं जाता, मेरे को पूछना ही पड़ता है उसको कि तेरे ऐसे कोई संबंध है क्या, और विचार आते ही मैं क्या करूं। तो उसको खुदा ना रास्ता, मतलब बाय चांस उसको मेरे वीडियो जैसे सर्च करते करते OCD का जब उसने सर्च किया, तो उसको मेरा वीडियो हाथ में लग गया, जिसके बारे में उसको जानकारी कि बार बार ऐसा विचार आना, शक आना, ये भी एक बीमारी है। उसने ये वीडियो, मेरे वीडियो जो OCD के थे, उसके पत्नी को बताया, और बोले देख ये मुझे बीमारी है और इसलिए मैं तेरे को बार बार ऐसा पूछता हूँ। जब उसको पत्नी को जब मेरे वीडियो बता दिया उसने, और जब उसके पत्नी को ये मालूम हुआ कि नहीं ये बीमारी है मेरे हस्बैंड की, तो फिर उनके झगड़े खत्म हो गए। उसकी पत्नी भी उसके पीछे लग गई कि तुम डॉक्टर केळकर के पास में जाओ और इसका इलाज करवा के आ जाओ, जब आपको बार बार ऐसे विचार आ रहे तो फिर वो मेरे पास में आया कि भाई इसका कुछ तो भी करो। तो मैं जब मैं ऐसा इलाज करता हूँ कि मैंने कहा ठीक है भाई आप यहाँ रुको, कहीं भी आप रुक सकते हैं, मेरे हॉस्पिटल में रुक सकते हैं। हॉस्पिटल में उसने वो रुका, मेरे हॉस्पिटल में 7 दिन तक रुका। उसके साथ में मैंने काफ़ी सारी बातें किया, काउंसलिंग किया उसको, साइकोथेरेपी किया, CBT किया, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सम्मोहन उपचार किया, और उसको ये बताया कि भाई ये विचार जो आ रहे ये बार बार के विचार है, ये विचार ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ रहे, ये ATM है, ऑटोमेटिक थॉट मशीनरी जो है वो दिमाग में तुम्हारी चल रही है, वो ATM है, वो विचार आपके कंट्रोल में नहीं है, ना खुद आप ये विचार ला रहे हो, ना ये विचार कोशिश करके भी आपके ऐसा, मतलब ऐसा नहीं कि आप बार बार कोशिश कर रहे हैं नहीं लाने की, तभी भी ये विचार आ रहे हैं, तो आप ये विचार खुद होके नहीं ला रहे। जब आप खुद होके विचार नहीं ला रहे तो विचार आप निकाल नहीं सकते। आप ये विचार निकालने की जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे उतने ज़्यादा वो विचार दिमाग में पक्के होते जाएंगे। तो आपने उसको आलिंगन दे दो, एम्ब्रेस करो, विचारों को अपनाओ कि ठीक है भाई विचार आ रहे हैं, ये ऑटोमेटिक थॉट मशीनरी है, वो दिमाग में चल रही है, वो बीमारी है जिसमें रिपीटेड थॉट्स आ रहे हैं, उसमें वो एक्शन भी कर रहा है। पत्नी को भी समझाए, इसको भी समझाए, और उसको बोला कि अभी आप उसको एम्ब्रेस करो, आलिंगन दे दो, अपनाओ वो थॉट्स को। वो बहुत ही बोले ये तो नया ही सुन रहा हूँ मैं। उसने उसको अपनाना चालू किया, 2-3 दिन में उसको फ़र्क पड़ा। बोले अभी तो मैंने सोच लिया कि चलो अभी उसको बाजू में रखो, वो जो थॉट्स आ रहे उसको बाजू में रखो, उसको ज़्यादा महत्व देने का नहीं है। जब महत्व नहीं देना उसने, वो समझ में आया, वो जब चालू किया तो उसके विचार आप ही आप कम होना चालू हो गए। 5-7 दिन में तो वो इतना अच्छा हो गया। उसके साथ साथ उसको मैंने दवा भी दिया जिसमें SS आ रहा है ना, सेरोटोनिन सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएक्टिव इनहिबिटर SS आ रहा है, वो दवाई है। उसके साथ साथ उसको क्लोमिप्रेमिन नाम की दवा दिया। तो ऐसी जो दवा दिया तो उसके दवा से भी उसको काफ़ी फ़र्क पड़ा, और यह साइकोथेरेपी से उसको फ़र्क पड़ा, और वो अच्छा होकर निकल गया। तो हमको ये देखना पड़ता है कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ये शक कर रहा है, मतलब ये पागलपन की बीमारी है, ये स्किजोफ्रेनिया है, ये पैरानॉइड स्किजोफ्रेनिया है, या पैरानॉइड साइकोसिस है, ये पैरानोइया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये OCD था स्पेसिफिकली, और OCD का इलाज लोग जो बोलते हो नहीं सकता, इसका इलाज हमने किया,
एक कारण इसका यह हो सकता है कि ये बहुत ताज़ा था, मतलब 6-8 महीने से उसको प्रॉब्लम था और 6-8 महीने के अंदर ही वो मेरे पास में आया, तो ताज़ा ताज़ा अच्छा इलाज हो गया और वो कम्प्लीटली ठीक होकर यहाँ से निकल गए। ये वीडियो देखने के लिए काफ़ी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये वीडियो लोगों को शेयर करो ताकि काफ़ी सारे वीडियो को ऐसे कुछ बहुत रिपीटेड थॉट्स आते होंगे जिसके ऊपर उनका काबू नहीं है, उससे झगड़े होते होंगे, उनका जीवन सुख शांति का नहीं होगा। आप जितने ज़्यादा वीडियो ये फैलाएंगे उतना लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा आएगा, लोग अपना जीवन खुशहाल में जिएंगे, अच्छे तरह से शक्तिशाली रूप से उनका जीवन जिएंगे। आप ये बेल आइकॉन जो आता है उसके ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।